नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एससीएमपी का जो चैप्टर 10 है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, इसका रिवीजन। जो चैप्टर 10 है इसमें टोटल तीन टॉपिक दे रखे हैं। एक दे रखा है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा एक्टिविटी वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा एक्टिविटी वेस्ट बजटिंग। जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वाला टॉपिक है इसके तीन सब टॉपिक दे रखे हैं। एक दे रखा है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर में टोटल मिला के पांच टॉपिक हैं। तीन तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के तरीके दे रखे हैं और दो टॉपिक दे रखे हैं, एक एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और एक एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। वैसे इस चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी दे रखा है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अपन ने पहले ही चैप्टर 4 में पूरा कवर कर लिया था, क्योंकि वहाँ भी दे रखा था यहाँ भी दे रखा था, तो अपन ने उसको पूरा का पूरा चैप्टर 4 में कवर कर लिया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। तो यहाँ अपन उसको कवर नहीं कर रहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि अपन चैप्टर 4 में उसको कवर कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा बहुत उसके बारे में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इसमें क्या बोलते हैं कि अपना जो प्रॉफिट आया, अपनी जो ऑपरेटिंग इनकम आई, अपन उस ऑपरेटिंग इनकम का डिफरेंट डिफरेंट वे में एनालिसिस करेंगे, अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो पहला तरीका दे रखा है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। उस ऑपरेटिंग इनकम का पहला तरीका एनालिसिस करने का दे रखा है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये तरीका क्या बोलता है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम में जो लास्ट ईयर से जो चेंज हुआ है, मान लो लास्ट ईयर 1 लाख थी, इस साल हो गई 1.5 लाख रुपये, तो जो चेंज हुआ है 50,000 से जो आपकी इनकम बढ़ी है, उसके तीन रीजन हो सकते हैं मेनली, कम हुई है या बढ़ी है, उसके तीन रीजन हो सकते हैं, या तो ग्रोथ के कारण, या प्राइस रिकवरी, या प्रोडक्टिविटी। तीन कंपोनेंट हो सकते हैं उसके, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी। ये तीन कंपोनेंट से आपकी इनकम चेंज होती है। अब ये तीन कंपोनेंट होते क्या हैं वो देखते हैं। ग्रोथ कंपोनेंट बोलता है आपकी जो इनकम में चेंज आया है, जो आपकी इनकम बढ़ी है या घटी है, आपकी इनकम जो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसका रीजन है कि आपकी यूनिट्स चेंज हुई है। पिछले साल मान लो आपने 10,000 यूनिट की सेल करी थी, इस साल आपने 12,000 यूनिट की सेल कर दी, तो आपकी इनकम कम ज़्यादा हो गई इससे। तो ग्रोथ कंपोनेंट क्या बोलता है, यूनिट में चेंज होने के कारण आपकी इनकम चेंज हो जाती है। अब ग्रोथ कंपोनेंट आगे बोलता है जो यूनिट में चेंज आता है उसके दो रीजन होते हैं, यूनिट में चेंज आता है उसके दो रीजन बोलता है ये। एक बोलता है मार्केट साइज चेंज, एक मार्केट शेयर चेंज, कि मार्केट की साइज ही बढ़ गई, मार्केट की साइज ही बढ़ गई या मार्केट की साइज ही कम हो गई, मार्केट की साइज चेंज हो गई। जैसे मान लो मोबाइल इंडस्ट्री थी, मोबाइल इंडस्ट्री का जो मार्केट था वो था 1 लाख यूनिट का लास्ट ईयर, इस साल हो गया वो मान लो 2 लाख यूनिट का, तो मार्केट की साइज बढ़ गई, इसके कारण आपकी यूनिट भी बढ़ गई, आपकी जो सेल है वो बढ़ गई। आप मोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपकी सेल भी बढ़ गई। दूसरा तरीका है आपका शेयर बढ़ गया, आपका शेयर बढ़ गया या आपका शेयर कम हो गया, तो दूसरा तरीका ये होता है। तो पहला रीजन क्या है कि यूनिट्स में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट चेंज हो जाता है। यूनिट्स में चेंज के दो रीजन है, या तो मार्केट की साइज चेंज हुई है या मार्केट का शेयर चेंज हुआ है, इसके कारण आपकी यूनिट्स कम ज़्यादा हुई है। दूसरा रीजन क्या बोलता है, प्राइस में चेंज होने के कारण, सेलिंग प्राइस में की सेलिंग प्राइस में चेंज होने के कारण, या तो या रॉ मटेरियल की प्राइस में चेंज होने के कारण, या लेबर की प्राइस में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा हो गया। तो दूसरा रीजन क्या है, प्राइस में चेंज होना। दूसरा रीजन क्या है, प्राइस, वो सेलिंग प्राइस की भी हो सकता है चेंज, या रॉ मटेरियल की प्राइस में चेंज हो सकती है। तो दूसरा रीजन क्या बोलता है, प्राइस में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है। तीसरा प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है। प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी, अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या आपकी एफिशिएंसी कम हो गई तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये तीन रीजन है, एक तो यूनिट्स का चेंज, दूसरा प्राइस का चेंज, और तीसरा एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी का चेंज। अगर आपकी यूनिट्स में चेंज होता है प्रॉफिट चेंज हो सकता है। दूसरा प्राइस में चेंज होता है, प्राइस इसकी सेल्स की भी या रॉ मटेरियल वगैरह की भी। तीसरा प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में चेंज होता है तो भी आपकी प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है। तो तीन रीजन होते हैं प्रॉफिट में चेंज होने के, जो ये बताता है, एक ग्रोथ कंपोनेंट, एक प्राइस रिकवरी, एक प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या होगा, जो इसका क्वेश्चन आता है उसमें ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर दे रखी होगी कि यूनिट्स में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कितना चेंज हुआ। प्राइस रिकवरी की एक फिगर दे रखी होगी, प्राइस रिकवरी मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण, यूनिट प्राइस में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कितना चेंज हुआ। एक प्रोडक्टिविटी की फिगर दे रखी होगी कि एफिशिएंसी के चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा या कितना घटा। तीन फिगर दे रखी होंगी आपको। अब आपको बनाना पड़ेगा एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी ऑपरेटिंग इनकम लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की ऑपरेटिंग इनकम आपको लेनी पड़ेगी। इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो प्लस करना पड़ेगा, अगर आपका प्रॉफिट लेस होता है, कम होता है, तो माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ता है तो प्लस, प्रॉफिट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो माइनस। तीन तरीकों से दिखाना पड़ेगा। चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, मार्केट साइज में चेंज होने के कारण कितना चेंज आया वो आपको दिखाना पड़ेगा। मार्केट साइज, पूरा ग्रोथ कंपोनेंट नहीं दिखाना आपको, ओनली मार्केट साइज, कि मार्केट साइज में जो चेंज हुआ उसके कारण प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, कितना बढ़ा या कितना घटा वो दिखाना पड़ेगा। बढ़ गया तो प्लस करना पड़ेगा, अगर आपका डिक्रीज हुआ तो माइनस करना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्टिविटी में चेंज होने के कारण कितना प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इनके जो है तो प्लस करोगे, डिक्रीज हुआ तो माइनस करोगे, प्रोडक्टिविटी का फिगर यहाँ से आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी से। तीसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा या कितना घटा। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग करा, कंपटीटर से कुछ अलग करा, आपने कंपटीटर से खुद को डिफरेंशिएट किया, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका मार्केट शेयर चेंज हो जाएगा, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा, कंपटीटर से अच्छा काम किया तो मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा। दूसरा प्राइस, प्राइस का फायदा कैसे होगा,
अगर आप कंपटीटर से अच्छा काम करोगे तो सेलिंग प्राइस आप ज़्यादा रख पाओगे। अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे एप्पल ज़्यादा चार्ज करता है आपको पता हो तो, डव साबुन ज़्यादा चार्ज करता है, तो प्राइस आप ज़्यादा चार्ज कर पाओगे और कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा लगेगी, तो रॉ मटेरियल वगैरह की प्राइस भी बढ़ जाएंगी क्योंकि आप क्वालिटी इंक्रीज करोगे। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, एक तो शेयर वाला कंपोनेंट, दूसरा प्राइस वाला कंपोनेंट। ये मार्केट शेयर प्लस प्राइस रिकवरी क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ का पार्ट मार्केट साइज। प्रोडक्टिविटी क्या है, पूरा प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट। और जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये क्या है, एक तो मार्केट शेयर प्लस प्राइस रिकवरी, मार्केट शेयर प्लस प्राइस रिकवरी, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके कारण आपको दिखाना पड़ेगा कितना प्रॉफिट बढ़ा है या कितना प्रॉफिट कम हुआ। ये तीनों आप एडलेस कर दोगे, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम करंट ईयर की। क्या जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम। अपन एनालिसिस किसका करते हैं, इसमें ओनली ऑपरेटिंग इनकम का करते हैं, बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया या इंटरेस्ट वगैरह हो गया, उसको अपन इसमें कंसिडर नहीं करते, वो कॉस्टिंग के लिए इरेलीवेंट होती है। यहाँ काम की क्या होती है, ओनली ऑपरेटिंग इनकम। तो याद आएगी अपनी ऑपरेटिंग इनकम करंट ईयर की, तीन चेंज दिखाएंगे। अगर तीन चेंज निकालेंगे कैसे, सबसे पहले मार्केट साइज का चेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में आपको तीन फिगर दे रखी होंगी, एक ग्रोथ कंपोनेंट की फिगर, एक प्राइस रिकवरी की और एक प्रोडक्टिविटी की। अब मार्केट साइज किससे निकलता है, ग्रोथ कंपोनेंट से। किससे निकलता है, ग्रोथ कंपोनेंट से। तो ग्रोथ कंपोनेंट की जो फिगर दे रखी है उसको इंटू कर देना कि मार्केट साइज में चेंज होने के कारण आपकी सेल में कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ वो ले लेना, और टोटल कितना इंक्रीज हुआ आपकी सेल में वो ले लेना। डिवाइड किससे कर देना, टोटल इंक्रीज से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए लिमिटेड है जो पेन इंडस्ट्री में काम करती है। लास्ट ईयर जो ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी डिमांड थी 1 लाख यूनिट की, इस साल इसकी डिमांड हो गई 1,20,000 यूनिट की। मतलब कितना इंक्रीज हुआ इसका, ग्रोथ कंपोनेंट कितना है, 20,000 यूनिट का, 20,000 यूनिट से इसकी सेल इंक्रीज हुई। अब आगे दे रखा है, मार्केट ऑफ पेन इंक्रीज बाई 5% ओवर लास्ट ईयर। जो पेन का मार्केट है 5% से इंक्रीज हुआ था, 5% से इंक्रीज हुआ था, और ग्रोथ कंपोनेंट आपको दे रखा है 2 लाख। पूरा ग्रोथ कंपोनेंट कितना दे रखा है, 2 लाख। आपको बताना है मार्केट साइज के कारण कितना है। तो देखो टोटल इंक्रीज कितना है, 20,000 का। देखो कि टोटल इंक्रीज कितना है, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो टोटल इंक्रीज कितना दिख रहा है आपको, 20,000 का इंक्रीज दिख रहा है आपको। 20,000 यूनिट से इसने ज़्यादा सेल करी। मार्केट ऑफ पेन, जो पेन का मार्केट था, पेन की जो मार्केट साइज थी वो 5% से बढ़ गई। तो मतलब पेन की मार्केट साइज के कारण कितना फर्क पड़ना चाहिए था, कितना फर्क आना चाहिए था, 5,000 यूनिट का। 1 लाख पे बेचता था, 5% से मार्केट बढ़ गया, तो इसका भी मार्केट 5% से बढ़ना चाहिए था। मतलब कितना होना चाहिए था, 1,05,000 होना चाहिए था। तो 5,000 यूनिट तो किसका चेंज है, मार्केट साइज का। किसका चेंज है, मार्केट साइज का। बाकी बचा हुआ 15,000 किसका है, फिर मार्केट शेयर का। इस तरह से निकलता है। दे रखा है मार्केट ऑफ पेन इंक्रीज, मतलब मार्केट इंक्रीज हुआ है पेन का कितने परसेंट से, 5% से। तो इसका भी मार्केट 5% से इंक्रीज होना चाहिए था। तो 1 लाख का तो कितना होना चाहिए था, 1,05,000 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, 1,20,000। मतलब 15,000 क्या हुआ, इसका शेयर बढ़ गया। साइज तो 5,000 से ही बढ़ा, लेकिन 15,000 से इसका शेयर बढ़ गया। कुछ अच्छा काम किया होगा इसने कि इसका शेयर बढ़ गया। ये आ गया मार्केट शेयर और मार्केट साइज। अब आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ मार्केट साइज से। तो ग्रोथ कंपोनेंट आपको दे रखा है 2 लाख रुपये का, 2 लाख मार्केट साइज के कारण कितना बढ़ा, 5,000, और टोटल इंक्रीज कितना हुआ था, 20,000। इसको 2 लाख से इंटू कर दिया, ये आपका आ गया इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू मार्केट साइज। इस तरह से आ जाएगा आपको जो ग्रोथ कंपोनेंट है, जितनी यूनिट्स इंक्रीज हुई हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, साइज के कारण कितनी इंक्रीज हुई है और शेयर के कारण कितनी इंक्रीज हुई है, और उसके बाद आपको प्रॉफिट को बांटना है। ये था अपना चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, ये आ जाएगा आपका। दूसरा है चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी, ये कैसे निकालोगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना। जो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट की जो फिगर है, जितनी भी दे रखी है, मान लो दे रखी है 30,000 रुपये, ये ले लेना। पॉजिटिव दे रखी है, फेवरेबल दे रखी है तो ऐड कर देना, नेगेटिव दे रखी है मतलब एडवर्स दे रखी है तो लेस कर देना। चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी आ जाएगा आपका। तीसरा चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये मैंने आपको बताया दो चीज़ का टोटल होता है, एक तो प्राइस। अगर आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो कुछ तो आपकी प्राइस चेंज हो जाती है। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करने के कारण एक तो आपका मटेरियल ज़्यादा कॉस्ट का लगता है तो मटेरियल की प्राइस चेंज हो गई, दूसरा आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर देते हो, क्वालिटी लाते हो तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर देते हो तो सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है। तो प्राइस रिकवरी कंपोनेंट इसका पार्ट होता है, एक तो प्राइस रिकवरी कंपोनेंट इसका पार्ट होता है। दूसरा क्या पार्ट होता है इसका, अगर आप प्रोडक्ट में कुछ अलग करते हो तो आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। आप कंपटीटर के ऊपर एडवांटेज ले लेते हो तो मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है। तो जो मार्केट शेयर वाला जो पार्ट है ग्रोथ कंपोनेंट का, वो भी इसका पार्ट होता है। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केट शेयर का पार्ट कैसे निकालोगे, जैसे 15,000 यूनिट निकाली, कैसे निकालोगे, ग्रोथ कंपोनेंट को इंटू कर देना मार्केट शेयर के कारण कितनी यूनिट इंक्रीज हुई, कितनी हुई थी इस क्वेश्चन में, 15,000, और डिवाइड कर देना टोटल इंक्रीज कितनी थी, टोटल इंक्रीज हुई थी अपनी 20,000 यूनिट, इसे डिवाइड कर देना, ये आपका आ जाएगा चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। ये आ जाएगा चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये था अपना पहला तरीका। ये तीन चेंज निकालने हैं आपको, मार्केट साइज के कारण कितना हुआ जो ग्रोथ कंपोनेंट का एक पार्ट है, प्रोडक्टिविटी के कारण कितना हुआ जो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट है वही क्या है प्रोडक्टिविटी का चेंज, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण कितना हुआ इसका मतलब प्राइस रिकवरी और मार्केट शेयर। प्राइस रिकवरी एक तो ये पूरा का पूरा, और प्लस इसका मार्केट शेयर वाला पार्ट।
ये आपका आ जाएगा पहला वाला तरीका, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये बोलता है तीन रीजन से सेल्स चेंज होती है, तीन रीजन से आपका प्रॉफिट चेंज होता है। एक तो रीजन है यूनिट्स का चेंज, दूसरा प्राइस का चेंज और तीसरा प्रोडक्टिविटी का चेंज। यूनिट्स प्राइस और एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी, यूनिट्स प्राइस और एफिशिएंसी, इन तीन चीज़ों से, इन तीन रीजन से आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है। जो ऑपरेटिंग इनकम होती है वो उनके तीन रीजन ही होते हैं चेंज होने के, और इसके अलावा कोई रीजन होता भी नहीं है। या तो यूनिट्स चेंज हो गई, या प्राइस चेंज हो गई, या आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी चेंज हो गई, इसके अलावा कोई रीजन होता भी नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होने के। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग तो पता नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चेंज होने के तीन रीजन होते हैं, यूनिट्स, प्राइस और प्रोडक्टिविटी। ये था अपना पहला प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, DPP, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या होता है, ये मेनली रिटेल सेक्टर में काम आता है, कुछ कुछ बार कोई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो भी इसको यूज़ कर लेता है। इंस्टीट्यूट ने भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको यूज़ कर रखा है। तो वैसे तो मेनली डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिटेल सेक्टर में काम आता है। रिटेल सेक्टर में अब जो रिटेल सेक्टर होते हैं, रिटेल सेक्टर मतलब जैसे डीमार्ट हो गया या मेडिकल शॉप हो गई, जो मल्टीपल प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हैं, जो मल्टीपल प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ काम आता है। वहाँ अपन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे डीमार्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचता है, बिग बास्केट हो गया काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचता है, ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ऐसे ही अपना मेडिकल शॉप हो गई, मेडिकल शॉप भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करती है। ऐसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो AC भी बेचती है, TV भी बेचती है, फैन वगैरह भी बेचती है, तो ट्रेडिंग करती है ओनली। तो ट्रेडिंग सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में क्या काम आता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी काम आता है। इसमें अपन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बेचते हो तो। अब जो रिटेल सेक्टर होता है उसमें मेनली दो तरह की कॉस्ट होती है, एक तो परचेज प्राइस होती है, एक तो परचेज प्राइस। जैसे मान लो डीमार्ट है, कुछ भी सामान खरीदता है तो उसकी एक परचेज प्राइस होती है, या मेडिकल शॉप है जो मेडिसिन की, एक तो परचेज प्राइस होती है। मेन क्या होता है, परचेज प्राइस। एक अदर कॉस्ट होती है, अदर कॉस्ट मेनली तीन होती हैं रिटेल सेक्टर में, तीन कॉस्ट होती हैं। एक होती है वेयरहाउसिंग, एक होती है रिटेलिंग और एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेयरहाउसिंग की कॉस्ट क्या होती है, आप जो माल खरीदते हो, जो ट्रेडिंग करने के लिए जो माल खरीदते हो, जो गुड्स खरीदते हो, उसको कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखते हो, स्टॉक करके रखते हो, तो आपको वेयरहाउस वगैरह का रेंट देना पड़ता है, ये होगी वेयरहाउसिंग कॉस्ट। रिटेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जो आप माल खरीदते हो, जो गुड्स खरीदते हो, उसको आप स्टोर से बेचते हो, गोदाम में रखते हो, फिर अपने स्टोर से उसको सेल करते हो, तो स्टोर से बेचते हो तो रिटेलिंग की जो कॉस्ट आ जाती है, वहाँ आपको बंदे रखने पड़ते हैं सेल करने के लिए, और भी काफ़ी सामान हो जाता है स्टोर्स में बेचने में, आपको बिल वगैरह बनाने पड़ते हैं, उनकी काफ़ी सारी छोटी मोटी कॉस्ट आती है। दूसरी कॉस्ट हो गई रिटेलिंग। तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो आप माल बेचते हो, तो एक तो क्या होता है, आप अपने गोदाम में रखते हो, फिर गोदाम से उसको अपने स्टोर पर ले जाते हो, गोदाम से स्टोर लेके आते हो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग गई। या फिर आप अपने स्टोर से कभी कभी आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी देते हो, फ्री डिलीवरी, तो डिलीवरी का चार्ज आपका लग जाता है, तो वो भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो रिटेल सेक्टर में मेनली तीन कॉस्ट होती है, एक वेयरहाउसिंग, एक रिटेलिंग और एक डिस्ट्रीब्यूशन। एक परचेज प्राइस तो होती है, साथ में जो मेन कॉस्ट होती है अदर कॉस्ट, कौन कौन सी होती है, एक तो उसको स्टोर करने की कॉस्ट, एक उसको बेचने रिटेलिंग की कॉस्ट, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की मार्केट मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, उसमें आपको DPP का स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट के नाम लिखने पड़ते हैं और ये स्टेटमेंट बनता है, ये फिक्स फॉर्मेट है, यही स्टेटमेंट बनता है। इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिखाते हैं अपन, उसमें से अपन COGS या परचेज प्राइस पर यूनिट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो लेस कर देते हैं, अपना आ जाता है ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। क्या आ जाता है, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट आ जाता है। इसमें से अपन लेस कर देते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, ये वेयरहाउसिंग की कॉस्ट, रिटेलिंग की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कॉस्ट, ये लेस कर देते हैं। पहले सेलिंग प्राइस से क्या लेस करते हैं, परचेज प्राइस, अपना आ जाता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में से अपन क्या लेस कर देते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट लेस कर देते हैं, वेयरहाउसिंग रिटेलिंग वगैरह की ये कॉस्ट लेस कर देते हैं, अपना आ जाता है डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट आ जाता है, सेम टू सेम ये स्टेटमेंट बनता है, पर यूनिट में स्टेटमेंट बनता है, इसका टोटल में नहीं बनता, पर यूनिट में इसका स्टेटमेंट ऐसे बनता है, ये आ जाता है डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को अपोर्शन कैसे करोगे प्रोडक्ट्स के अंदर इनको बांटोगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। बाकी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को अपोर्शन कैसे करोगे, तो जो वेयरहाउसिंग रिटेलिंग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, वेयरहाउसिंग रिटेलिंग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, इनको एलोकेट करने में दिक्कत आती है। ये अपन किसके बेस पे एलोकेट करते हैं, वॉल्यूम के बेस पे। अपन एक क्वेश्चन भी किया था, याद करो, मीटर क्यूब में वॉल्यूम दे रखी थी आपको, तो इनको वॉल्यूम के बेस पे एलोकेट करते हैं। क्योंकि ये जो कॉस्ट होती हैं ये वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट होती हैं, जितना प्रोडक्ट स्पेस रोकेगा उतनी ये ज़्यादा लगती हैं। जैसे मान लो तीन प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट A, B और C, ए ज़्यादा स्पेस रोकता है तो ए के लिए ज़्यादा लगेंगी, बी ज़्यादा स्पेस रोकता है तो बी के लिए लगेगी, सी ज़्यादा स्पेस रोकता है तो सी के लिए ज़्यादा लगेगी। तो वेयरहाउसिंग रिटेलिंग ट्रांसपोर्टेशन वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट होती हैं, जिसने ज़्यादा स्पेस रोका उसके लिए ज़्यादा लगती हैं ये। तो ये आपको वॉल्यूम के बेस पर एलोकेट करनी पड़ती है। किसके बेस पर एलोकेट करनी पड़ती है, वॉल्यूम के बेस पर एलोकेट करनी पड़ती है। मान लो इनके अलावा कोई अदर ओवरहेड कॉस्ट दे दी क्वेश्चन में आपको, इनके अलावा, तो उसको आपको एक्टिविटी के बेस पर एलोकेट करनी पड़ती है। अगर वेयरहाउसिंग रिटेलिंग ट्रांसपोर्टेशन दी, ये तो वॉल्यूम के बेस पे, लेकिन इनके अलावा और कोई से भी कोर्स दी, वेयरहाउसिंग रिटेलिंग ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और कोई भी कोर्स दी, तो अपन किसके बेस पे करते हैं, एक्टिविटी के बेस पे, एक्टिविटी बेस कोस्टिंग को फॉलो करके, ABC कोस्टिंग को फॉलो करके अपन क्या करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं। ABC कोस्टिंग का तरीका पता ही है, एक्टिविटी निकालते हैं, कितनी कॉस्ट है,
कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं और एबीसी रेट निकाल लेते हैं और उसके बेस पे एलोकेट कर देते हैं। अब इसमें एक नोट और था, क्वेश्चन में अगर आपको हेड ऑफिस कॉस्ट दे रखी है, हेड ऑफिस की कॉस्ट दे रखी है, तो अपन उसमें उसको प्रोडक्ट्स में एलोकेट नहीं करते, वो इररिलेवेंट होती है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो इसके काम की नहीं होती। तो हेड ऑफिस कॉस्ट इररिलेवेंट होती है, वो अपने काम की नहीं होती, उसको क्या कर देते हैं अपन यहाँ इग्नोर कर देते हैं। ये बात थी एक। तो क्वेश्चन में हेड ऑफिस कॉस्ट आ जाए तो वो डीपीपी में काम की नहीं होती, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में उसको क्या करना है आपको इग्नोर करना है, बाकी जगह काम आ जाएगी लेकिन यहाँ काम की नहीं होगी वो, तो क्या करना है उसको इग्नोर करना है। ये था दूसरा तरीका, कौन सा, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी वाला प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो मेनली रिटेल सेक्टर में काम आता है। तीसरा है अपना कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालना, कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालना। आप मान लो सेम प्रोडक्ट, एक आप एक पेन बेचते हो, मान लो 10 रुपये वाला पेन है, काफ़ी सारे कस्टमर को बेचते हो, 10 रुपये वाला पेन है आपका, काफ़ी सारे कस्टमर को बेचते हो, तो कस्टमर वाइज कितना कितना प्रॉफिट आता है वो निकालेंगे। या मान लो आप एक एसी बेचते हो, 5-स्टार एसी, काफ़ी सारे कस्टमर को बेचते हो, सेम एसी काफ़ी सारे कस्टमर को, तो कस्टमर वाइज कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अपन सेम प्रोडक्ट काफ़ी सारे कस्टमर को बेचते हैं तो कौन सा कस्टमर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, ये अपन निकालेंगे, कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनेगा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में इसी का आता है। ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और सबसे ज़्यादा इसमें आता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का। कस्टमर वाइज अपन प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, मैंने जो इंस्टीट्यूट फॉर्मेट फॉलो करता है मैंने वो का वो फॉर्मेट लिया है, आपको भी इसी फॉर्मेट में बनाना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। बाकी कैसे भी निकाल सकते हो, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ऐसे निकालोगे जो मैंने स्टेटमेंट लिया है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये फॉर्मेट फॉलो करता है। सबसे पहले अपन को लेना है ग्रोस सेलिंग प्राइस या लिस्ट सेलिंग प्राइस या एमआरपी, ग्रोस सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस, एमआरपी, तीनों का मतलब एक होता है, और ये पर यूनिट की लेनी है, पर यूनिट की लेनी है। हाँ, क्वेश्चन में दे नहीं रखा पर यूनिट का, टोटल का डाटा दे रखा तो बात अलग है, लेकिन हमेशा अपन किसकी लेते हैं, नहीं तो पर यूनिट की ले लेते हैं। तो अगर पर यूनिट दे रखा था पर यूनिट की ये ले लेंगे अपन, ग्रोथ सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस या एमआरपी ले लेंगे पर यूनिट की अगर दे रखा है तो। ये ले लिया अपन ने कि आप मान लो एक पेन बेचते हो तो कस्टमर एक, कस्टमर भी, वो कस्टमर से को कि उसकी ग्रोथ सेलिंग प्राइस क्या है, तो ग्रोथ सेलिंग प्राइस क्या होगी, सभी में सेम होगी ये, हर केस में, सभी केस में क्या होगी, सेम होगी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को आप यहाँ टीवी बेच रहे हो, कस्टमर भी को फ्रिज बेच रहे हो, कस्टमर से को आप एसी बेच रहे हो, फिर अपन प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फिर तरीका ही क्या है, फिर तो क्या फ़ायदा। अपन एक ही प्रोडक्ट काफ़ी सारे कस्टमर को बेच रहे हैं फिर कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो आप मान लो एक पेन बेच रहे हो तीनों कस्टमर को, या एक 5-स्टार एसी हो तीनों कस्टमर को बेच रहे हो, या आप एक नॉर्मल मोबाइल है जो तीनों कस्टमर को बेच रहे हो, सेम तरीके का, सेम प्रोडक्ट, एकदम सेम प्रोडक्ट, तो ग्रोथ सेलिंग प्राइस क्या होगी, तीनों के लिए सेम होगी। ऐसा नहीं कि इसके लिए 10 हो गई, इसके लिए 11 हो गई, इसके लिए 12 हो गई, एमआरपी तो सेम ही होगी सबके लिए। तो ग्रोथ सेलिंग प्राइस ले लेंगे, इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट पर यूनिट, डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्काउंट पर यूनिट अपन लेस कर देंगे, अपनी आ जाएगी नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक चीज़ और थी, कभी सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दे देता है, तो सेल्स रिटर्न दे देता है तो पहले सेल्स रिटर्न लेस करते हैं और उसके बाद डिस्काउंट लेस करते हैं, मैंने आपको बता दिया था इसका रीजन भी क्यों लेस करते हैं, तो पहले सेल्स रिटर्न फिर डिस्काउंट लेस करते हैं। तो डिस्काउंट पर यूनिट लेस कर देंगे, आप क्या जाएगी नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, किसी को अपन डिस्काउंट देते हैं किसी को नहीं देते, तो नेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, ये सबकी अलग अलग आ सकती है। इसके बाद अपन इसमें से लेस करेंगे, या तो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होगा, या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा होगा, या बाइंग कॉस्ट दे रखा होगा, या COGS, चार नाम से दे रखा होगा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग कॉस्ट, या COGS पर यूनिट, कोई भी नाम से दे रखा हो सभी का मतलब एक ही है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग कॉस्ट, या COGS पर यूनिट, ये आपको लेस करना है। ये भी 99% केस में सेम होगा, 99% केस में सेम होगा। आप एक पेन बनाते हो तो एक ही कॉस्ट आएगी, ऐसा थोड़ी है कि वेरिएबल कॉस्ट अलग आ जाएगी, कि कस्टमर के लिए बनाओगे तो थोड़ी अलग आ जाएगी, कस्टमर भी के लिए बनाओगे तो अलग आ जाएगी। हाँ, अलग आ सकती है अगर उस कस्टमर ने आपसे कुछ कस्टमाइजेशन करवाया हो तो, अगर उस कस्टमर ने आपसे क्या करवाया हो, कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ कस्टमाइजेशन करवाया हो तो अलग आ सकती है। तो 99% केस में तो सेम होगी, लेकिन कुछ केस में ये भी अलग हो सकती है अगर कस्टमर ने कस्टमाइजेशन करवाया हो तो। ये अपन लेस कर देंगे, पर यूनिट की लेस करेंगे, क्या जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, क्या बोलेंगे अपन इसको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इसको इंटू कर देंगे कितनी कितनी यूनिट अपन ने कस्टमर को बेची, कस्टमर को कितनी बेची, कस्टमर को कितनी यूनिट बेची, कस्टमर को कितनी यूनिट बेची, नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर देंगे, अपना आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब आएगा अपना टोटल कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, फिक्स फॉर्मेट है ये, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से अपन लेस कर देंगे ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ओवरहेड कॉस्ट लेस करेंगे। अब ओवरहेड कौन से लेस करेंगे, कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरहेड, कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरहेड, जैसे डिलीवरी वाले हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग का हो गया, तो काफ़ी सारे ओवरहेड होते हैं जो कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, कस्टमर की विजिट का हो गया ओवरहेड, तो ऐसे ओवरहेड लेस करेंगे जो कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो प्रोडक्ट के ओवरहेड है वो तो पहले अपन कवर कर लिए, इसमें प्रोडक्ट के जो वेरिएबल ओवरहेड है वो अपने यहाँ कवर कर चुके हैं। ये कौन से हैं, कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरहेड, ये प्रोडक्ट के ओवरहेड नहीं है, ये कस्टमर की एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरहेड है, जिसको अपन एबीसी के बेस पे, एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग को फॉलो करके अपन सभी कस्टमर में लेस कर देंगे। आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर, टोटल कंट्रीब्यूशन में से अपन ओवरहेड लेस कर दिया तो क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट, कितनी कितनी यूनिट अपन ने बेची थी, कस्टमर ए को, कस्टमर बी को, और कस्टमर सी को कितनी कितनी बेची थी, आपका आ जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर, क्या आ जाएगा,
प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर पता चल जाएगा, कौन सा प्रॉफिट, कौन सा कस्टमर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है पर यूनिट में, कौन सा कम देता है। एक प्रोडक्ट के लिए मान लो पेन बेचते हो, एक का प्रॉफिट आया 2 रुपये, एक का आया 1 रुपये, एक का 6 रुपये, तो पता चल जाएगा 6 रुपये दे रहे हो। तो इस तरह से आपको एनालिसिस हो जाएगा कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कौन सा कम देता है। अब इतना क्वेश्चन होगा इसमें आजकल क्या पूछता है इंस्टीट्यूट, इतना तो पूछता ही है, ये स्टेटमेंट तो आपको बनाना ही होता है। इसके बाद बोलता है कि आप एनालाइज करो, कमेंट करो, रिकमेंड करो। एनालाइज, कमेंट या रिकमेंड करो, कभी कभी तो वो स्पेसिफिक पॉइंट दे देता है कि कमेंट ऑन डिस्काउंट या कमेंट ऑन डिलीवरी, तो आपको उसी पॉइंट पर कमेंट करना है, बाकी किसी पॉइंट पर कमेंट नहीं करना। कभी कभी वो बोलता है एनालाइज, कमेंट, रिकमेंड ऑन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपको क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट, डिस्काउंट का पॉइंट, सेल्स रिटर्न का पॉइंट, और जो ओवरहेड कॉस्ट जितनी भी दे रखी हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिलीवरी, कस्टमर विजिट या अदर, जो भी दे रखी है कस्टमर वाली, सभी का आपको क्या करना है, एक एक कमेंट करना है। अब कमेंट में ऐसा नहीं कि आपको चार चार पांच पांच लाइन भरनी है, आप दो दो लाइन में कमेंट कर दो, इस कस्टमर के विजिट इतने हैं, इस कस्टमर के विजिट इतने हैं, इस कस्टमर के विजिट इतने थे, तो इस कस्टमर की ज़्यादा थी, इसकी कम थी, इस कस्टमर को आपने डिस्काउंट 10% दिया, इसको 5% दिया, तो इस कारण इसका प्रॉफिट कम आया, इसका ज़्यादा आया। इस तरह से आपको कमेंट करने हैं, बस कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना कि आपको अपना दिमाग लगाना है, बस नॉर्मल कमेंट करना है, आपको कुछ स्पेशल कमेंट नहीं करना। किस किस पे करना है, जो भी क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा हो, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न या कोई भी ओवरहेड दे रखा हो, कस्टमर वाला कोई भी ओवरहेड दे रखा हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिलीवरी, कस्टमर विजिट, अदर, सभी पे कमेंट करना है, दो दो तीन तीन लाइन में, दो दो तीन तीन लाइन में आपको दो दो लाइन में कमेंट करना है। आपको कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना, बस कि सॉल्यूशन वाला डाटा देख के आपको कमेंट करना है या क्वेश्चन का डाटा देख के आपको कमेंट करना है, अपनी लैंग्वेज में आप पूरा कमेंट कर सकते हो। ये हो गया कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का आता है, तो 7-8 नंबर का तो ये स्टेटमेंट होता है और 2 नंबर के कमेंट होते हैं, 2 या 3 नंबर के कमेंट होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 नंबर के होते हैं कमेंट, बाकी 8 नंबर का ये प्रॉफिट निकालना होता है, बाकी 2 नंबर का अपना कमेंट वगैरह होता है। तो कमेंट आपको दो दो लाइन में करना है, जितने भी पॉइंट है 5-6 पॉइंट है, दो दो लाइन में कमेंट कर दो, बस ऐसा नहीं 5-5, 6-6 लाइन भर के आप कमेंट करो, ऐसा कमेंट नहीं करना। अब CPA की कुछ थ्योरी दे रखी है, अगर आप एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हो, CPA करते हो, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसे पता चल जाएगा कौन सा कस्टमर आपको प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा आपके प्रॉफिट को खराब कर रहा है, कौन सा कस्टमर आपके टोटल प्रॉफिट को, कंपनी के टोटल प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कौन सा कस्टमर उसको इरोड कर रहा है, इरोड मतलब खराब कर रहा है, तो ये पता चल जाएगा, ये एक पता चल जाएगा कौन सा कस्टमर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में और कौन सा उसको खराब कर रहा है, ये पता चल जाएगा। दूसरा, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है पता चल जाएगा आपको, तो आप क्या करोगे, जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं जो कस्टमर, उनसे आप प्यार से बात करोगे, उनकी आप स्पेशल केयर करोगे, और जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे या लॉस दे रहे हैं, उनसे आप अपना एग्रीमेंट रिव्यू करोगे, उनको बोलोगे कि हम आपकी प्राइस बढ़ाएंगे, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं उनको डिसकंटिन्यू कर दोगे, ये फायदा चल जाएगा। तो आप एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट कर पाओगे, क्या कर पाओगे, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट कर पाओगे, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आप क्रिएट कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा हाँ प्रॉफिटेबल कस्टमर है तो इनसे प्यार से बात करनी है, और जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो लॉस दे रहे हैं, उनको गाली गलौच नहीं करनी, आपको उनके हाथ क्या करना है, एग्रीमेंट को रिव्यू करना है, उनको बोलना है कि हम आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको डिसकंटिन्यू करो, ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट करने में आपके काम आएगा। अब एक टॉपिक और दे रखा था कि कौन कौन से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन CPA को यूज़ करते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी सारे यूज़ करते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को, लेकिन आज के ज़माने में सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह भी इसको यूज़ करता है, इंश्योरेंस कंपनी भी इसको यूज़ करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस मतलब होटल वाले भी इसको यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस मतलब CA वाले, तो ये भी अपना क्लाइंट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं, CA CS वाले अपना क्लाइंट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं, हॉस्पिटल वाले भी इसको यूज़ करते हैं, और लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट वाले भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आज के ज़माने में इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई भी नाम लिख दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये थ्योरी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मॉड्यूल में थ्योरी भी दे रखी है कि कौन कौन से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन CPA को यूज़ करते हैं, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक टॉपिक और दे रखा है इसमें, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कस्टमर प्रॉफिटेबल है और कौन से प्रॉफिटेबल नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया कौन से प्रॉफिटेबल है कौन से नहीं है, तो जो प्रॉफिटेबल है उनके हाथ आप रिलेशनशिप बनाओगे, उनसे क्या करोगे, आप प्यार से बात करोगे, उनकी स्पेशल केयर करोगे, तो उनके हाथ रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके साथ रिलेशनशिप को, आपकी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, दोनों के बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, तो वो बताता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बोलता है आपको 3 काम करने पड़ेंगे, ऑपरेटिव CRM, एनालिटिकल CRM और कोलाबोरेटिव CRM। अगर आपको प्रॉफिटेबल कस्टमर के साथ अपनी रिलेशनशिप को, अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, 3 काम करो, ऑपरेटिव, एनालिटिकल, कोलाबोरेटिव। तो प्रॉफिटेबल कस्टमर के हाथ जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, हर ट्रांजेक्शन को आप टेक केयर करो, हर ट्रांजेक्शन की क्या करो, स्पेशल केयर करो, हर एक एक ट्रांजेक्शन की क्या करो, स्पेशल केयर करो। दूसरा, एनालिटिकल बोलता है आप जो ट्रांजेक्शन की केयर करते हो उनसे पता लगाओ कि आपका जो प्रॉफिटेबल कस्टमर है, जो आपको प्रॉफिट देता है, उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मतलब उसको प्राइस से मतलब है या क्वालिटी से, उसको प्राइस से मतलब है या क्वालिटी से, ये पता लगाओ। अगर उसको प्राइस से मतलब है तो आप क्या करो, क्वालिटी थोड़ी बहुत कम कर दो और प्राइस उसको और थोड़ा डिस्काउंट दे दो, और खुश हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अगर उसको क्वालिटी से मतलब है, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और बढ़ा दो क्वालिटी, थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेना उससे, वो खुश रहेगा। तो बिहेवियर एनालिसिस करके देखो कि उसको क्वालिटी से मतलब है, प्राइस से मतलब है। तीसरा, कोलाबोरेटिव,
उसके साथ जो आप कम्युनिकेशन रखो वो सीमलेस रखो, मतलब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसको भेजी तो तुरंत उसके पास चली जाए, और उसने आपको कुछ बात बोली तुरंत आपके पास आ जाए, ऐसा आपको करना है। ये तीन काम करने हैं। तो आपको उसके हर ट्रांजेक्शन का केयर करना है, दूसरा हर ट्रांजेक्शन का केयर करके उसका बिहेवियर एनालिसिस करना है कि प्राइस से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है। तीसरा, सीमलेस इन्फॉर्मेशन फ्लो, कम्युनिकेशन एकदम सीमलेस होना चाहिए। जैसे मैं बताऊँगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आपको अपनी वाइफ के साथ या घर वालों के साथ या आपको अपनी जीएफ के साथ अपनी रिलेशनशिप को, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप उसके साथ अपने जीएफ वगैरह के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो भी काम करते हो, और हर बात का उसके साथ ध्यान रखो, जो भी उसके साथ करते हो, जहाँ भी जाते हो हर ट्रांजेक्शन का आप स्पेशल केयर करो। दूसरा क्या बताया था मैंने कि उसके ट्रांजेक्शन के साथ, उसके साथ जब आप रहोगे तो उसको पता करो कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसका बिहेवियर एनालिसिस करो। उसको घूमना पसंद है, उसको शॉपिंग करना पसंद है, उसको खाना पीना पसंद है, क्या पसंद है, ये आपको बिहेवियर एनालिसिस करना पड़ेगा। या उसको घर बैठना पसंद है, बातें करना पसंद है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तीसरा, उसके और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट रखो, सीमलेस रखो, मतलब तुरंत आपकी बात उसके पास पहुंच जाए, तुरंत आप उसकी बात आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपको कम्युनिकेशन रखो, अपनी आपकी रिलेशनशिप अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी बॉन्डिंग अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। एक तो उसके हाथ जो भी काम करते हो उनका हर बात का, उसकी हर बात का क्या करो, केयर करो। उसके हाथ जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी बात करते हो, हर बात का केयर करो। दूसरा, उसका बिहेवियर एनालिसिस करो कि उसको किस में खुशी मिलती है, किस चीज़ में खुशी मिलती है, और उसको वो चीज़ दो। तीसरा, उसके हाथ कम्युनिकेशन क्या करो, फास्ट सीमलेस कम्युनिकेशन करो, अपने आप आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे ही आपको कस्टमर के साथ करना है, प्रॉफिटेबल कस्टमर के साथ। जो लॉस मेकिंग कस्टमर है उनके हाथ तो आपको एग्रीमेंट रिव्यू करना है, उनके हाथ ये काम नहीं करना, उनके हाथ इतनी मेहनत नहीं करनी, उनके हाथ तो एग्रीमेंट रिव्यू करके बोलना है कि प्राइस बढ़ाएंगे, मान जाते तो ठीक है, नहीं तो उनको डिसकंटिन्यू करो। ये था अपना CPA। अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तीनों टॉपिक हो गए उसके तीनों सब टॉपिक, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब चौथा टॉपिक इस चैप्टर का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। वैसे ये थ्योरिटिकल टॉपिक है, अपन ने पढ़ा था एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या आता था, कॉस्ट निकालने के काम आता था, ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में एलोकेट करने के काम आता था, वो भी ठीक तरीके से ओवरहेड्स को एलोकेट करता था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ताकि अपन प्रोडक्ट की ठीक कॉस्ट निकाल सके। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेनली क्या करता था, कॉस्ट निकालने का काम करता था। चैप्टर 4 में पढ़ा था अपन ने, वो ओवरहेड्स को ठीक से प्रोडक्ट में एलोकेट करता था एक्टिविटी के बेस पे। ABM क्या है, ABM एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, ABM, इसको एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ABC को यूज़ करके एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना, एक्टिविटी के कॉस्ट को मैनेज करना, मैनेज करना मतलब क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट कम करना, क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट कम करना। तो ABC टेक्निक को यूज़ करके एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना क्या होता है, ABM। ABC टेक्निक को यूज़ करके एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। जो एक्टिविटी करते हो आप, मान लो इंस्ट्रक्शन करते हो, मार्केटिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, इसके अलावा नंबर ऑफ सेटअप करते हो, मशीन वगैरह की एक्टिविटी करते हो, तो उनकी एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करना क्या होता है, ABM। तो ABM का जो फोकस होता है वो होता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाएं, एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट मतलब कम टाइम में पूरी हो जाएं, इफेक्टिव मतलब बिना गलती के पूरी हो जाएं। तो कम टाइम में हो जाएंगी एक्टिविटी और बिना गलती के हो जाएंगी, तो उसकी कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, मैनेज। कम टाइम में हो जाएं, इफेक्टिव मतलब बिना गलती के हो जाएं, एफिशिएंट मतलब कम टाइम में, इफेक्टिव मतलब बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के हो जाएं। तो एफिशिएंट और इफेक्टिव अगर एक्टिविटी हो जाएंगी तो अपने आप ही एक्टिविटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। तो ABC क्या करता है, एक्टिविटी की कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, ABM क्या करता है, एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करता है। ABC एक्टिविटी की कॉस्ट को डिटरमाइन करके प्रोडक्ट्स में एलोकेट करता है, ABM क्या करता है, उस कॉस्ट को मैनेज करता है। अब ABM कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए दो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, आपको ऑपरेशनल ABM और एक स्ट्रेटेजिक ABM, एक ऑपरेशनल और एक स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक वाला देखो, फिर ऑपरेशनल समझ में आएगा। स्ट्रेटेजिक बोलता है आप केवल अच्छे काम करो, आप केवल अच्छे काम करो, जो भी फालतू काम करते हो उनको आप एलिमिनेट कर दो। फालतू काम जैसे मान लो आप तीन प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट A, B और C, सी आपको बुरी तरह लॉस देता है, तो उसको एलिमिनेट करो, उसको बंद कर दो। अब प्रोडक्ट ए और बी जो बनाते हो, मान लो प्रोडक्ट ए बनाते हो उसमें आप एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन करते हो जिसकी कस्टमर वैल्यू नहीं करता, तो उस डिज़ाइन को एलिमिनेट कर दो। प्रोडक्ट बी बनाते हो जिसमें आप फ्री की वारंटी देते हो, कस्टमर को वारंटी से कोई मतलब नहीं है, वारंटी एलिमिनेट कर दी, तो आप नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो, और जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लॉस देता है उसको एलिमिनेट कर दो। तो स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, आप केवल अच्छे काम करो, अच्छे काम मतलब जो भी फालतू एक्टिविटीज़ करते हो नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी उनको एलिमिनेट कर दो, और जो ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको लॉस देते हैं उनको एलिमिनेट कर दो। ये होता है स्ट्रेटेजी के भी, आप केवल अच्छे काम करो, आप केवल अच्छे काम करो, जो भी फालतू एक्टिविटी करते हो आप, जो कस्टमर वैल्यू नहीं करता, फ्री की वारंटी देते हो, इंस्टॉलेशन करवाते हो, या फालतू की डिज़ाइन करवाते हो, एक तरीके से वैल्यू चेन एनालिसिस याद हो तो आपको नॉन वैल्यू एक्टिविटी एलिमिनेट करते हैं, सेम वही है ये, कि जो फालतू एक्टिविटी आप करते हो नॉन वैल्यू एक्टिविटी उनको रिमूव कर दो, और केवल आप क्या करो, अच्छे काम करो, केवल आप अच्छे काम करो, केवल आप क्या करो, अच्छे काम। ये बोलता है स्ट्रेटेजिक ABM। ऑपरेशन क्या बोलता है, ऑपरेशन बोलता है जो आप अच्छे काम करते हो उनको ठीक से करो,
जो आप अच्छे काम करते हो उनको ठीक से करो। स्ट्रेटेजिक बोलता है, स्ट्रेटेजिक क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक कि आप केवल अच्छे काम करो, ये क्या बोलता है, आप केवल डूइंग दी राइट थिंग्स, आप केवल अच्छे काम करो। ऑपरेशन क्या बोलता है, जो आप काम अच्छे काम करते हो, जो अच्छे काम करते हो उनको ठीक से करो, उनको एफिशिएंटली करो, उनको इफेक्टिवली करो। जो भी आप अच्छे काम करते हो उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करो, इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और अपने आप कॉस्ट ड्राइवर की रेट कम हो जाएगी। एक्टिविटी की कॉस्ट कम आएगी तो एबीसी रेट अपने आप क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, अपने आप एक्टिविटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी मैनेज। सबसे पहले स्ट्रेटेजी एबीएम, आप केवल अच्छे काम करो। ऑपरेशन क्या बोलता है, आप जो अच्छे काम करते हो उनको ठीक से करो। ये दो काम करने हैं आपको, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक डूइंग द राइट थिंग्स, ऑपरेशन डूइंग थिंग्स राइट। अब जो अपना था टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, इसमें एक प्रैक्टिकल टॉपिक और था वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड। ये अलग ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसमें अपन वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड टाइम निकालते हैं। तो जो वैल्यू एडेड टाइम होता है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम। ये बात मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 3 जीआईटी प्रोडक्शन, तो जीआईटी प्रोडक्शन का यहाँ थोड़ा डिटेल दे रखा है। वैल्यू एडेड टाइम कौन सा होता है, प्रोसेसिंग टाइम। नॉन वैल्यू एडेड टाइम कौन सा होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोरेज वेटिंग मूविंग और क्यू टाइम। इंस्ट्रक्शन स्टोरेज वेटिंग मूविंग और क्यू टाइम। अब मैंने आपको बताया था वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड क्या टाइम होते हैं। तो जो ऐसा टाइम होता है जिसको कम किया जा सकता है या जिसको रिमूव किया जा सकता है वो होता है नॉन वैल्यू एडेड टाइम, और जो ऐसा टाइम होता है जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है, जो जरूरी है करना वो होता है वैल्यू एडेड टाइम। तो जिस काम को करना जरूरी है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करना तो आपको जरूरी है। मान लो आप रॉ मटेरियल से जादू करके थोड़ी फिनिश कुछ बनाओगे, प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल को, आपको प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वैल्यू एडेड। लेकिन इसके अलावा जो टाइम जिनको कम किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है वो क्या होते हैं, नॉन वैल्यू एडेड। जैसे इंस्ट्रक्शन टाइम, इंस्ट्रक्शन टाइम को खत्म किया जा सकता है। अगर आप पहले से प्रिवेंशन कोर्स पे पैसा खर्च कर दो तो इंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले रिव्यू वगैरह कर लोगे तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही स्टोरेज वेटिंग मूव और क्यू टाइम को खत्म किया जा सकता है। अगर आप जीआईटी इंप्लीमेंट कर दो, जीआईटी इंप्लीमेंट कर दो तो स्टोरेज टाइम खत्म, मूव टाइम वगैरह ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे टाइम है जो खत्म किए जा सकते हैं। तो वैल्यू एडेड टाइम होता है प्रोसेसिंग टाइम, नॉन वैल्यू एडेड टाइम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोरेज वेटिंग मूविंग और क्यू टाइम। ये टॉपिक जीआईटी से रिलेटेड है, वैसे जीआईटी प्रोडक्शन में काम आता है। अब अपन निकालते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, मतलब आपके प्रोडक्शन की क्या एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या है, कैसे निकालते हैं। वैल्यू एडेड टाइम को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू एडेड टाइम को टोटल टाइम से, टोटल प्रोडक्शन टाइम या टोटल साइकिल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अभी टोटल प्रोडक्शन टाइम क्या होता है, वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड के सारे टाइम को ऐड करना क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन टाइम। ये आ जाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी है। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, ये बोलता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए या एक बैच को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, एक यूनिट या एक बैच का टाइम कितना चाहिए। वैसे मेनली क्या होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। एक होता है टीएकेटी टाइम, आपने सुना होगा टीएकेटी टाइम, अपन ने जीआईटी में पढ़ा था। वो होता था एक यूनिट को बनाने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, और टीएकेटी टाइम क्या होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अवेलेबल है वो तो होता है टीएकेटी टाइम, और कितना टाइम चाहिए ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। इसका क्वेश्चन जो आता है ओनली फॉर्मूला बेस आता है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं आता, कुछ कंसेप्ट बेस नहीं आता, ओनली फॉर्मूला बेस आता है। और ये इसका जो कंसेप्ट लिंक है वो है जीआईटी से। अगर आप जीआईटी इंप्लीमेंट करते हो तो अपन को चेक करना पड़ता है जीआईटी प्रोडक्शन में कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है या कम हुई है। बढ़ी है तो अपन इंप्लीमेंट कर देते हैं, कम हुई है तो अपन इंप्लीमेंट नहीं करते, जो अपन ने पहले ही कर लिया चैप्टर नंबर 3 में। तो मैंने तब भी आपको ये पढ़ाया था, अब वापस अपन ने पढ़ाया यहाँ पे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या है, एक्टिविटी के बेस पे बजट बनाना। पहले आप बजट कैसे बनाते थे, कॉस्ट के बेस पे टोटल कॉस्ट का बजट बना लिया कि इस साल 10 लाख की कॉस्ट होगी, एक्चुअल में 12 लाख की हो गई, या सेल्स का बजट बना दिया 15 लाख की सेल होगी, एक्चुअल में 20 लाख की हो गई। तो पहले आप कॉस्ट के बेस से जो बजट बनाते थे, ट्रेडिशनल बजटिंग करते थे सीए इंटर में, उससे अलग है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इसमें अपन क्या करेंगे, जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो ओवरहेड कॉस्ट है उसका बजट अपन एक्टिविटी के बेस पर बनाएंगे। जो ओवरहेड का कॉस्ट है उसका बजट अपन एक्टिविटी के बेस पर बनाएंगे, और जो फिर एक्टिविटी को अपन प्लान और कंट्रोल करेंगे। एक्टिविटी के कॉस्ट को फिर अपन क्या करेंगे, प्लान और कंट्रोल करेंगे, ये होता है एक्टिविटी बेस बजटिंग। क्योंकि एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग लगती किस पे, ओनली ओवरहेड पे। अपन ओवरहेड ही तो अलोकेट करते हैं, ओवरहेड ही तो अपन अलोकेट करते हैं, जो ओवरहेड होते हैं वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड, उनको अपन प्रोडक्ट्स में अलोकेट करते हैं एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग को फॉलो करके। तो एक्टिविटी बेस बजटिंग में अपन क्या करेंगे, मटेरियल लेबर का बजट तो बना लेंगे नॉर्मल, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का। तो लेकिन जो ओवरहेड का बजट है वो किसके बेस पे बनाएंगे, एक्टिविटी के बेस पे। अपन एक्टिविटी निकालेंगे कि फ्यूचर में अपन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, इस साल अपन कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उनकी बजटेड कॉस्ट कितनी होगी, बजटेड कॉस्ट ड्राइवर कितने होंगे, ये सब निकालेंगे इसमें। तो एक्टिविटी के बेस पे अपन बजट बनाएंगे ताकि अपन एक्टिविटी की कॉस्ट को प्लान करके कंट्रोल कर सकें, ताकि एक्टिविटी की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि बजटिंग किस में काम आती है, बजट जो बजटिंग टेक्निक है वो कंट्रोल करने में काम आती है, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है। याद हो तो आपको बजटरी कंट्रोल क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है, सीए इंटर में थी बजटरी कंट्रोल। तो अपन क्या करेंगे, एक्टिविटी के बेस पे ओवरहेड का, ओवरहेड कॉस्ट का बजट बनाएंगे, एक्टिविटी के बेस पे ओवरहेड कॉस्ट का बजट बनाएंगे, फिर ओवरहेड की कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एक्टिविटी की कॉस्ट को अपन कंट्रोल करेंगे, ये होता है एक्टिविटी बेस बजटिंग। अब एक्टिविटी बेस बजटिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, तो 3 एलिमेंट्स चाहिए।
एक आप कौन कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हो अगले साल, आप कौन कौन सी बजटेड एक्टिविटी करने जा रहे हो। मान लो आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, टेस्टिंग करने जा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, मशीनिंग करने जा रहे हो, जो जो एक्टिविटी करने जा रहे हो वो आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, इसका मतलब है वो कितने यूनिट्स में करने जा रहे हो, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने करोगे, मतलब एक तरीके से कोस्ट ड्राइवर कितने कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मशीन आवर कितने होंगे, ये अपन निकालेंगे। ये भी अपन बजटेड निकालेंगे कि बजटेड मशीन आवर कितने होंगे, बजटेड इंस्ट्रक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी होंगी, ये अपन एक्टिविटी के बेस पे निकाल लेंगे। क्या है ये? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर। फिर अपन कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू परफॉर्म, जो एक्टिविटी की जो रेट होगी, एबीसी रेट, बजटेड रेट क्या होगी, एबीसी की रेट क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे? बजटेड एक्टिविटी की अपन को टोटल कॉस्ट दे रखी है, बजटेड यूनिट्स हैं, उसे डिवाइड करके एबीसी रेट निकालेंगे। ये तीन एलिमेंट होते हैं, इन तीन एलिमेंट से एबीबी का बजट बन जाता है, एक्टिविटी बेस्ड बजट बन जाता है। कैसे बनता है, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था बजटेड एबीसी रेट ले लो, हर एक्टिविटी की बजटेड एबीसी रेट ले लो, बजटेड एबीसी रेट ले ली, उसको इंटू कर दो बजटेड यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर, बजटेड यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर, जो भी प्रोडक्ट दे रखे हैं सबकी यूनिट्स से इंटू कर दो बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर, कोस्ट ड्राइवर की बजटेड यूनिट से अपने आप क्या बन जाएगा, एक्टिविटी का बजट बन जाएगा, एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, बजटेड कॉस्ट कैसे आएगी, एबीसी रेट, बजटेड एबीसी रेट इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर, बजटेड एबीसी रेट इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर, दोनों चीज़ आपको बजटेड लेनी है बस, बजटेड एबीसी रेट इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर, अपने आप एक्टिविटी की कॉस्ट निकल जाएगी। अब लास्ट इसमें दे रखा था एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो तीन बेनिफिट बता रखे थे। अगर आप एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग फॉलो करते हो तो इससे आप रिसोर्स की नीड्स को बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता चल जाता है आपको बेटर वे में पता चल जाता है कि कितने मशीन आवर्स लगेंगे, कितने इंस्पेक्शन होंगे, कितने सेटअप होंगे, तो रिसोर्स की नीड्स एकदम सही से पता चल जाती है, कितने लेबर आवर्स लगेंगे, तो रिसोर्स नीड्स आपकी बेटर वे में क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। दूसरा था क्लियर लिंकिंग ऑफ कॉस्ट विथ स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप कॉस्ट को स्टाफ के साथ लिंक कर सकते हो कि कौन से कोस्ट के लिए कौन सा स्टाफ जिम्मेदार है, मशीन के लिए ये स्टाफ जिम्मेदार है, इंस्पेक्शन के लिए ये स्टाफ जिम्मेदार है, मार्केटिंग के लिए ये स्टाफ जिम्मेदार है, उसमें तो आप टोटल कोस्ट का बजट बनाते थे, लिंक नहीं कर पाते थे, यहाँ आप लिंक कर पाओगे कि मशीन के लिए ये, मार्केटिंग के लिए ये जिम्मेदार है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जिम्मेदार है, तो हर एक्टिविटी की कोस्ट को आप लिंक कर पाओगे कौन सा स्टाफ उसके लिए जिम्मेदार है, तो उसको आप रेस्पॉन्सिबल ठहरा पाओगे अगर कोस्ट चला जाती है तो। तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक, बजट स्लैक मतलब क्या होता है, बजट स्लैक मैंने आपको बताया था, बजट स्लैक मतलब क्या होता है कि बजट में आपने एक स्लैक डाल दिया ताकि बजट को आसानी से अचीव किया जा सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने बजट बनाया कि 1 लाख यूनिट मैं सेल कर दूंगा, जबकि आपकी कैपेसिटी थी 1.5 लाख यूनिट सेल करने की, बजट क्या बनाया 1 लाख सेल कर दूंगा, वर्कर ने, एक वर्कर ने, सेल्स डिपार्टमेंट का वर्कर है, वो उसकी कैपेसिटी थी 1.5 लाख यूनिट सेल करने की, उसने बोला 1 लाख सेल कर दूंगा, वो जानबूझ के 1 लाख का बजट बना दिया उसने, अब बजट क्या होगा, वो आसानी से अचीव कर लेगा 1.5 लाख, 1.5 लाख की कैपेसिटी, 1.5 लाख सेल कर देगा, उसको फ्री का बोनस मिल जाएगा, फ्री की उसको तारीफें मिल जाएंगी, जबकि उसकी कैपेसिटी 1.5 लाख की थी तो आराम से सेल कर दी उसने, जबकि बजट कितने का बनाया था उसने 1 लाख यूनिट का। ये होता है बजट स्लैक, मतलब आपने बजट को कैपेसिटी से कम का बना दिया, कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा काम करने की है, लेकिन आपने बजट कम का बना दिया ताकि बजट को आसानी से अचीव कर सको, तो ऐसे काम को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आप एक्टिविटी बेस का बजटिंग फॉलो करते हो तो। पुराना तरीका फॉलो करते हो तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्टिविटी बेस बजटिंग में पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक्टिविटी की बेस पर कॉस्ट निकालोगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको, CBI, सी फॉर क्लियर लिंकिंग ऑफ कॉस्ट, B फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन, और I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक, CBI, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक, CBI मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका इसका, बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ये था अपना एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग वाला टॉपिक। तो ये थे इस चैप्टर के टॉपिक, टोटल 5 टॉपिक थे। एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अपन ऑपरेटिंग इनकम का डिफरेंट डिफरेंट वे में एनालिसिस करेंगे तीन तरीके से, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, और तीसरा कस्टमर वाइज प्रॉफिट। स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट बोलता है, तीन रीजन होते हैं प्रॉफिट के, एक होता है अपना रीजन पहला चेंज होने का, यूनिट्स का चेंज, दूसरा प्राइस का चेंज, और तीसरा प्रोडक्टिविटी का चेंज। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट में अपन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में अपन कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालते हैं, एक्टिविटी बेस मैनेजमेंट में अपन एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज करते हैं, एक्टिविटी बेस बजटिंग में अपन एक्टिविटी के बेस पर क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। वैसे मेनली चैप्टर क्या है, पूरा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा थ्योरी दे रखा है एक्टिविटी बेस मैनेजमेंट का, बाकी पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा चैप्टर मेनली प्रैक्टिकल है, और हमेशा इसका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, मेनली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आता है, लेकिन किसी में भी आ सकता है, सारे टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट है। ये था अपना चैप्टर 10, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। एक बार इसका मॉड्यूल देख लेते हैं अपन, चैप्टर 10 का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। देखो चैप्टर ओवरव्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दे रखा है एक इसमें स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दे दिया, एक जिसमें एबीसी का यूज़ होता है, इनको अलग कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तीन पढ़े अपन ने, एक इन्होंने दिया एबीएम और एबीबी। एबीसी, एबीसी तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पढ़ लिया अपन ने, कहाँ पढ़ लिया,
चैप्टर फोर में पढ़ लिया पूरा, यहाँ थोड़ा बहुत दे रखा है, थोड़ा बहुत चैप्टर फोर में दे रखा है, अपने पूरा का पूरा कहाँ कवर कर लिया, चैप्टर फोर में कवर कर लिया, ये चैप्टर फोर में कवर कर लिया। तो ये टॉपिक थे इस चैप्टर के, टोटल पांच टॉपिक थे जो अपने यहाँ पढ़े, ए बी सी अपन पहले पढ़ चुके जिसमें। अब इनके बारे में बता रखा, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस स्टार्ट किया, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अपने देखा, तीन कंपोनेंट देखे, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी, ये अपने इसमें देखा। ये क्वेश्चन अपन ने किया था इसका क्लास में, जब अपन ने किया था ये क्वेश्चन भी किया था। फिर अपन ने देखा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पहला देखा डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, डीपीपी देखा अपन ने पूरा। डीपीपी के अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, ये वाला क्वेश्चन भी किया था, ये वाला मैंने मीटर क्यूब वाला क्वेश्चन था जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन अपन ने सारे कवर कर रखे हैं पहले से। एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अपन ने देखा, इसके भी अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद अपन ने देखा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अपन ने देखा। इसमें अपन ने देखा वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड, ये इसी का टॉपिक है, इसी इसी जो टॉपिक है ना अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, इसका एक सब टॉपिक है वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड, ये अपन ने देख लिया। ये अपन पहले भी देख चुके थे चैप्टर थ्री में, फिर से अपन ने यहाँ देख लिया। फिर अपने देखा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, लास्ट में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग देखा, एलिमेंट्स वगैरह देखे इसके, कैसे बजट बनता है उसका क्वेश्चन वगैरह अपन ने किए, ये देखा अपन ने लास्ट में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इसमें थोड़ा सा एबीसी के बारे में दे रखा था, एबीसी अपन ने पहले पढ़ ही लिया था, तो एबीसी अपन ने यहाँ कवर किया नहीं, पहले कवर कर लिया था। ये था चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 जो अपने पूरा कवर किया, क्वेश्चन वगैरह अपने क्लास में सारे कर ही लिए थे इसके। ये था अपना चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।